देखिए कितना बैगन लगा है सब। इधर भी हम तोड़ लेते हैं। देखिए सब ऐसे ऐसे बैगन लगा है इधर, देखिए अंदर अंदर तक बैगन लगा है। हम अपने ज़रूरत के अनुसार तोड़ेंगे। तोड़ लिए बैगन हम, ज़्यादा हमको नहीं तोड़ना है, बस इतना हम ले लेंगे क्योंकि फ्रेश फ्रेश तोड़िए तो अच्छा रहता है। चलिए गाइस हम बैगन की सब्ज़ी बताते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमने फ्रेश बैगन ले लिया है, आलू कुछ काट लिए हैं, इसे टमाटर डालेंगे, मसाला डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे, लहसुन अदरक मिर्चा इसको पीस लिया है, खड़े मसाले कुछ डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। तो चलिए हमने तेल डाल दिया है तो हम खड़े मसाले डालते हैं। चटक गया है तो अब यहीं पर हम आलू फ्राई करेंगे। लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल देंगे। चलिए इसको हम चला लेते हैं। अच्छी तरह से हमारा भुना जाएगा, उसके बाद हम बैगन डालेंगे। चलिए गाइस कहीं पर हम बैगन देते हैं। आप टमाटर कम और ज़्यादा कर सकते हैं और तीखा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप बैगन का डंठल नहीं खाना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। यहीं पर स्वाद अनुसार नमक देंगे, बैगन से जल्दी गलता है, ऐसे कुकर में बना बहुत जल्दी गल जाता है। यहीं पर हम मसाला डालेंगे क्योंकि बैगन गले में देरी नहीं होती, बैगन बहुत जल्दी गल जाता है, कुकर में बन रहा है तो और जल्दी बनेगा। इसको चला देते हैं। मसाला भुना गया है तो यहीं पर टमाटर डालेंगे। इसको भी चला लेते हैं। मसाला भुना गया, कस्तूरी मेथी डाल के हम हल्का से पानी देंगे। गाइस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो मत करिएगा, नहीं किए हो तो आप कर दीजिएगा, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड लोग में, हमारी वीडियो आगे बढ़ाइए। अब दो तीन सीटी आने तक हम आपको दिखाते हैं।